भाई, आज जो ओपन टॉक का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, सबसे पहले सभी को बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ओपन टॉक जो विदेशों में ये चर्चा में था, विदेशों में लोग इसको करते थे, वहाँ का मीडिया पब्लिक की समस्या सुनने के लिए पब्लिक के बीच में आता है, लेकिन इंडिया का मीडिया कभी नहीं आया। सोशल मीडिया ने ये पहल की है, हम सोशल मीडिया का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अब क्योंकि ये प्रोग्राम 26 नवंबर को डेडिकेट किया गया है, 26 नवंबर के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम देश और दुनिया के कोने कोने में संविधान को समर्पित किए जा रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम उनको बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। दिल्ली की धरती पर जो भी प्रोग्राम 26 नवंबर के लिए विभिन्न विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 25 तारीख को इंडिया गेट के ऊपर सुबह मॉर्निंग के अंदर एक रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद दिन में मंजू की ललकार का अम्बेडकर भवन पर एक कार्यक्रम है, आंध्र प्रदेश भवन में भी एक कार्यक्रम है, शाम तक भी जगह जगह बाल भवन में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। 26 की सुबह भी एक रन है, वो भी सुबह मॉर्निंग में 7 बजे इंडिया गेट पे हो रहा है, 10 बजे तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है, और दोपहर बाद जो है एक जो है, जैसा कि पिछले बार हम लोग इकट्ठा हुए थे, पिछली बार 26 नवंबर को सब लोग हम लोग इंडिया गेट आए थे और इंडिया गेट पर हमने 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया था, शाम का प्रोग्राम हम इंडिया गेट पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरा समाज के सभी प्रबुद्ध साथियों से निवेदन ये है कि 25 के जो भी प्रोग्राम हैं उनमें सब लोग शिरकत करें, 26 के जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें सब में शिरकत करें, और ये मानकर चलें कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है। ऑर्गेनाइजर कोई भी हो, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि समाज के सभी लोग हर प्रोग्राम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके अपनी शक्ति का, अपनी एकता का परिचय दें और हर प्रोग्राम को इतना सफल कर दें, इतना सफल कर दें कि आज जो माहौल बना हुआ है देश के अंदर, जो SC ST समाज आज देश में अलग थलग पड़ गया है, आज SC ST समाज की कोई बात इस देश में नहीं हो रही है, सरकार SC ST मामलात में पूरी तरह उदासीन हो गई है। संविधान दिवस को सरकार को मनाना चाहिए था, सरकार ने एक साल मनाने के बाद में पिछले साल इसको नहीं मनाया है, जबकि उसकी पहली जिम्मेदारी बनती थी। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का लाभ उठा रहा है और संविधान दिवस की जिम्मेदारी मनाने की शायद ऐसा लगता है इस देश के SC ST OBC यानी बहुजन समाज के हिस्से में ही आती है। तो आज हम ये आह्वान करेंगे भारत के हर नागरिक से कि आप भारत के संविधान का सभी लोग फायदा ले रहे हैं, भारत का संविधान सिर्फ देश के SC ST समाज के लिए नहीं है, बल्कि भारत के हर व्यक्ति के लिए संविधान बना हुआ है। और 26 नवंबर के उपलक्ष्य में संविधान दिवस पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं देश के कोने कोने में, सभी देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है वो आए और अपनी उसमें भागीदारी सुनिश्चित करे, संविधान दिवस को अपना डेडिकेशन दे, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें बाबा साहब के प्रति, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बनाया है। मैं एक बार पुनः बहुजन मीडिया का हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुजन मीडिया अपनी जिम्मेदारी को 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन इस देश की धरती पर हुआ और उससे एक नया इतिहास भारत के सम्मुख खड़ा हुआ और भारत की सरकार को एट्रोसिटी एक्ट को अमेंड करने के लिए झुकना पड़ा, मैं उम्मीद करता हूं कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज जो सोशल मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है इसको कोने कोने तक एक एक आदमी तक पहुंचाने का आप काम करेंगे और 26 नवंबर के जो भी कार्यक्रम हमारे समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा देश के कोने कोने में आयोजित किए जा रहे हैं उनको सफल बनाने में सोशल मीडिया अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए इनको सफल बनाकर एक नया इतिहास बनाएगा। जय भीम नव बुद्धाय। सर, DC कपिल जी आगे बोलिएगा। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसा अभी हमारे सहयोगी साथी KP चौधरी जी ने बताया है, इसी कड़ी में 25 और 26 नवंबर को जो पूरे देश में अलग अलग प्रोग्रामों का आयोजन है, इसी प्रोग्राम के तहत 25 नवंबर को कोंडली विधानसभा में डॉक्टर अंबेडकर मानव हितकारी संगठन, जो दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे का एक सहयोगी संगठन है, उसके प्लेटफार्म के नीचे संविधान दिवस एक बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर भी लोगों से अपील है कि उसमें भी शिरकत करने की कोशिश करें। और 26 नवंबर को जो भी संगठन जहाँ पर भी प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरा सभी से ये निवेदन है कि सभी प्रोग्राम हमारे सफल होने चाहिए, उसमें कोई ये ना सोचे कि ये पर्टिकुलर किसका प्रोग्राम है और कहाँ पर प्रोग्राम है, जहाँ पर भी जितना समय मैक्सिमम दिया जा सकता है दिल्ली के सभी संगठनों को एकजुट होकर के ये संविधान दिवस जो है पूरे एक महापर्व के रूप में मनाना चाहिए और पूरे देश के जितने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संगठन पूरे देश में जो काम करते हैं इस मिशन को लेकर के, उनसे भी हम लोग ये आह्वान करते हैं, जहां तक भी ये आवाज़ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है, कि वो सभी लोग इस बार इंडिया गेट पर आकर के लाखों की संख्या में इस महापर्व के रूप में मनाए जाने वाले संविधान दिवस के रूप में शामिल हो और उत्साह के साथ आगे के लिए ये संकल्प मिले कि हर वर्ष
हम इस प्रोग्राम को पूरे देश के अंदर जो है उत्साह के साथ मनाएं। जय भीम, जय भारत, तमो बुद्धाय। मनोज गोरखेला जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली 26 मैंने 25 नवंबर को मेरी खुद की मैरिज है और वो बुद्धिस्ट मैरिज हो रही है और वर्ल्ड की पहली मैरिज है जिसमें 1000 मॉन्क आ रहे हैं, संविधान दिवस ही। तो वो मैरिज मैंने संविधान दिवस को डिवोट करी है और हम लोग रात के 12:01 पे 70 किलो का केक काट के संविधान दिवस मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है 31 दिसंबर का, जो न्यूयॉर्क के नाम से जाना जाता है, मैनहट्टन न्यूयॉर्क में होता है, 12:01 पे केक काट के मनाते हैं। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ पूरी दुनिया के लोगों को, पूरे इंडिया के लोगों को, पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं, अपने घर में 12:01 पे संविधान का संविधान उस दिन पैदा हुआ था, संविधान दिवस के रूप में केक काटकर संविधान दिवस मनाइए। और ख़ास तौर से जब संविधान है तभी 26 जनवरी मना रहे हम, संविधान के कारण ही 15 अगस्त मना रहे हम, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी से बड़ा महोत्सव संविधान दिवस के दिन होना चाहिए। और मैं 26 नवंबर को सुबह सुबह मैं और मेरी वाइफ दोनों हम दिल्ली के जितने प्रोग्राम हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे और शाम को इंडिया गेट में आकर भी संविधान दिवस मनाएंगे। और आप सबसे अपील करता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का पहला भारत का डिप्टी एडवोकेट जनरल होने के नाते आप सबको अपील कर रहा हूं, अपने परिवार अपने बच्चों के साथ आप जरूर जो है इंडिया गेट पर आइए। धन्यवाद जी, बीएस भारती जी। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, और जो आप लोगों ने एक शुरुआत की है आज इस कनॉट प्लेस की धरती पर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये शुरुआत पूरे भारत में फैलेगी। हम लोग टाइम टू टाइम जगह जगह मिलते रहेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे और जो भी हमारी समस्याएं हैं उन पर हम अपनी बात करेंगे। अभी संविधान दिवस की बात है कि संविधान दिवस को हमें किस रूप में मनाना चाहिए। सबसे पहली जो दिक्कत की बात यह है कि पिछले साल इस देश की सरकार ने इस संविधान दिवस को मनाया। अक्सर होता है कि इस देश की सरकार को तो शायद पता नहीं है, लेकिन बाकी देशों में जो संविधान दिवस होता है वहाँ पर उस दिन छुट्टी रखी जाती है और उस देश के संविधान के प्रति उस देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वो उसको माने और उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करे। लेकिन शायद इस देश की सरकार ने एक वर्ष ये मना करके फैसला कर लिया कि बस इतना बहुत है, और उन्होंने ये जाहिर किया है कि संविधान दिवस तो केवल और केवल दलितों का दिवस बनकर रह गया, जो कि पूर्णतः गलत है। बाबा साहब ने संविधान के तहत इस देश की 50% जो नारी जाति है उसको मुक्ति दिलाई, उसको बराबरी का हक दिलाया। मजदूर वर्ग जो पहले 14-14 घंटे कार्य करता था उसको पूरी तरह से तनख्वाह नहीं मिलती थी, 8 घंटे का उसको वक्त पूरा उनको दिया कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलेगी और पूरा भुगतान उनको मिलेगा। परंतु आज ना तो इस देश की नारी जाति ना इस देश का हमारा मजदूर वर्ग संविधान के प्रति कोई दिलचस्पी दिखाता है, केवल और केवल जो हमारा दलित वर्ग है। हम बहुसंख्यक की बात करते हैं लेकिन शायद मैं ये मानता हूँ कि ओबीसी के लोग भी इसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं मनाते हैं, ना वो मानते हैं, जबकि जितना ख्याल इस देश के लिए बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया, आज अगर आप देखेंगे तो इस देश के अलावा बाकी जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें भी बहुत उथल पुथल होती है, लेकिन केवल और केवल भारत देश ऐसा है जिसके संविधान के साथ में उथल पुथल नहीं हो पाती और इस देश की सरकारें सुचारू रूप से चल रही है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन है, 25-26 जितने भी प्रोग्राम हमारे हैं हम 100 लोग वहाँ पर जाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज करें और इस देश की सरकार पर एक ऐसा प्रेशर बनाने में कामयाब हों कि अगले वर्ष इस देश की सरकार को छुट्टी घोषित कर करके संविधान दिवस को मनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आप सभी से एक बार एक अपील और करता हूं कि 26 तारीख को बहुजन के नाम पर हम लोग एक बहुत बड़ा सम्मेलन तालकोटरा स्टेडियम में कर रहे हैं, आप सभी वहां पर आमंत्रित हैं और सभी जो भी मुझको सुन रहे हैं मुझको देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से अपील करता हूं अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ अपने साथियों के साथ वहां करके उस प्रोग्राम को भी जोरदार तरीके से सफल बनाएं। धन्यवाद, जय भीम। साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये समाज के सभी बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी मेरे भाई बहन खड़े हैं, आप हमारी आवाज़ और हमारे हौसले और हमारी लड़ाई को, जो अगर वास्तव में भारतीय संविधान को आप जिंदा रखना चाहते हैं, सिर्फ बातों से नहीं, इधर जो लोग खड़े हैं क्रांतिकारी लोग खड़े हैं वो सब एक विचार और एक मत से आगे काम करें। और ये जो मेरा युवा वर्ग और मेरी बहुजन समाज की मीडिया है,
इस देश के संविधान को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अगर वास्तव में आज के बाद इस देश में कोई है तो बहुजन मीडिया की है। और आपके इस महान काम को हम सैल्यूट करते हैं, आपके इस महान काम के लिए दिन रात जहां पर भी आप लोग हमारे को याद करेंगे, क्योंकि ये जो काम आज आप जिंदा कर रहे हैं और बहुजन समाज के नाम को और भारतीय संविधान को आज देश की सरकारों के कान में जो जोर रेंग रही हैं वो सिर्फ इस बहुजन मीडिया के कान से रेंग रही है। अगर ये बहुजन मीडिया इस देश की क्रांति को नहीं दिखाए तो इन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं है। कोई 26 नवंबर को कार्यक्रम हम किसी विशेष चैनल पर बड़े चैनल पर नाज नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ये लोग जो बड़े दुखी सुख सुख पाकर बड़े तंग स्थिति में भी आज हम लोगों की आवाज़ को देश के अंदर फैला रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ तन मन धन से और सभी हमारे साथी जितने भी यहाँ खड़े हैं बगैर किसी भेदभाव और बगैर किसी द्वेष के साथ हम ऐलान करते हैं कि बहुजन मीडिया भी एक है और बहुजन चिंतक वर्ग और बहुजन लड़ने वाले लोग भी एक हैं। इसलिए भारतीय संविधान को बचाने के लिए मैं ऐलान करता हूँ 25 नवंबर पे जहाँ कार्यक्रम है, 26 नवंबर पे जहाँ कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रमों में हज़ारों की संख्या में सब लोग जाने चाहिए। और ख़ासकर जो 26 नवंबर को आप लोगों ने शाम को कार्यक्रम रखा हुआ है, बहुजन मीडिया का जो एक कार्यक्रम रखा हुआ है, उसमें हम भी हज़ारों की संख्या में आपके साथ जुड़ेंगे और इस मैसेज को देश के अंदर नहीं विश्व में फैलाएंगे। तभी बाबा साहब देश के सर्वोपरि होंगे, तभी संविधान की मान्यता होगी और तभी यहाँ की सरकारों और यहाँ के गवर्नेंस के ऊपर जू रेंगेगी। नहीं तो मान ये बात मान के चलिए सारी चीज़ें संविधान के खिलाफ चल रही हैं, आपके पक्ष में कोई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, अगर कोई बोलता है तो उसकी जबान काट दी जाती है, कोई आंदोलन करता है उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है और कोई ज़्यादा बोलता है उसके खिलाफ साजिश रच के उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे बोलने दीजिए, दो मिनट बोलने दीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि जो भी लोग काम कर रहे हैं सभी एक तल हो, एक साथ होकर, और बहुजन मीडिया आपकी जिम्मेदारी और आपका जो क्रेज और आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो देश के अंदर योगदान है, उसको बहुजन समाज हमेशा याद रखेगा और हम उसको सैल्यूट करते हैं और हम आपके साथ हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। 25 नवंबर को गढ़वाल भवन एलडीएफ कार्यक्रम कर रहा है, पद्मश्री कल्पना सरोज हमारी बहन वहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर आ रही हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। एडवोकेट भानु प्रताप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो बहुजन मीडिया और ये सोशल मीडिया के जो आप सारे साथी हैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आभारी हूँ आपका कि आपने ये पहल की है, क्योंकि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बात नहीं दिखाता, आप जानते हैं। और जितने अत्याचार बहुजन समाज पर आज की तारीख में हो रहे हैं उन्हें आपके अलावा कोई दिखाता नहीं है, तो आप ही एक ऐसा स्रोत हैं जिससे जानकारी मिलती है। 26 नवंबर को मैं बहुत सीधे शब्दों में कहूँगा कि इस देश के अगर सरकार नहीं मनाती है तो न मनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुजन समाज के और बाकी और सभी लोगों को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना चाहिए। जैसे हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी तरह से 26 नवंबर को हमें संविधान दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना चाहिए। और मैं इस बार ये कहूँगा कि न केवल मैं बल्कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनसंघर्ष पार्टी के हजारों साथी उस दिन आपके 26 तारीख को जितने भी कार्यक्रम होंगे, 25 को भी 26 को भी, उनमें पहुंचेंगे और इंडिया गेट पर जो मेन कार्यक्रम होगा हम पूरी ताकत के साथ उसमें शामिल होंगे। और लोगों से भी इस बात की निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगा साथियों, इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सब लोग ये प्रण लें, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा सब लोग ये प्रण लें कि 2019 का जो चुनाव इस देश में होने वाला है, उस 2019 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी, ये 56 इंची चौकीदार की जो सरकार है, इस पार्टी को सत्ता से बाहर करना है हर सूरत में। हर सूरत में मैं कहता हूं साथियों, हर सूरत में इसको बाहर करके इस देश को, संविधान को बचाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। वरिष्ठ समाज सेवी अर्चना गौतम जी हमारे बीच में महिला शक्ति के रूप में, आप क्या कहना चाहेंगे संविधान दिवस समारोह को लेकर? देखिए, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि ये देश अब संविधान पर नहीं चल रहा, बहुत ही कम क्षेत्र में आपको ऐसा दिखाई देगा कि हाँ संविधान को माना जाता है, लेकिन संविधान अब कहीं पे भी काम नहीं कर रहा। ये देश जो है अब बीजेपी की मनमानी से चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भी बिकाऊ है, और हमारी जो देश में जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें मरोड़ तरोड़ के या तो दिखाते नहीं हैं या फिर वो अपने हिसाब से दिखाते हैं, जो असली घटनाएं हैं वो छुपा दी जाती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और देश में परिवर्तन आप ही लोग ला सकते हो, बहुजन समाज को जगाने का काम आप ही लोग कर सकते हो। मैंने भी इस समस्या को देखते हुए एक संगठन बनाया था, उसे काफ़ी टाइम हो गया, उसका नाम है भारतीय संविधान सुरक्षा परिषद, और इसमें हम संविधान की ही उसको बचाने का, उसको पूरी तरह लागू करने का काम कर रहे हैं।
तो मैं चाहती हूँ कि उस दिन जितने भी कार्यक्रम हो बहुजन समाज सारे सभी प्रोग्रामों में जाकर उसमें अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, योगदान दे और देश को आगे बढ़ाने का काम करे। अगले बार जो अभी 19 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अपनी पूरी भूमिका हमें निभानी है, हमें किसी दूसरी पार्टी को आगे बढ़ने नहीं देना है। इस बार बहुजन सरकार की, बहुजन लोगों की ही सरकार बने, ये मेरा आप लोगों से आह्वान है। इस तरह का काम आप लोग करिए जी। एडवोकेट गीता रानी जी हमारे बीच हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं संविधान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में। मैं एडवोकेट गीता रानी LDF की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अपने देश की जनता से ये अपील करती हूँ कि किसी भी 25 और 26 तारीख को संविधान सम्मान दिवस जो बनाया जा रहा है वह अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। ये ना देखें कि वो किस चीज़ कौन सा संगठन बना रहा है, क्योंकि यहाँ प्रश्न उठता है संविधान का। संविधान हम सबका है और मैं अपने माता और बहनों से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और देश की उन्नति में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें। सभी को मेरा जय भीम नमो बुधाय। सुधीर राजी, इंजीनियर सुधीर राजी, सुधीर मेन स्ट्रीम अच्छा। चौथा स्तंभ जो बाबा साहब ने मीडिया का बनाया था उसका एक उद्देश्य था कि मीडिया आपके द्वार तक पहुंचे, मीडिया जरूरतमंद आदमी तक पहुंचे, संविधान की सारी जितने भी लाभ हैं वो आखिरी आदमी तक पहुंचे जो अधिकतर बहुजन है। ना तो संविधान का कोई फायदा हम तक पहुंचा और ना ही मीडिया पहुंचा। ये पूरे विश्व की, भारत की आज का पहल पहली ऐतिहासिक है। आप इसको 30 साल बाद, 40 साल बाद जब आप नोट करेंगे, देखेंगे, इस फोटो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन ये भारत के मेन 11 लोग जो यहाँ हैं इन्होंने संविधान के चौथे स्तंभ की पहली भूमिका निभाई और वो आम आदमी तक पहुँचा, पार्क में पहुँचा और गली में पहुँचा। ये जो पहल ओपन टॉक की है ये बाबा साहब का सपना रहा है, दुनिया ने बाबा साहब के सपने को फॉलो किया है। आज बहुजन मीडिया ने बाबा साहब के उस सपने को पार्क में और इस पर सड़क पे उतार के बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। ये ओपन टॉक का जो काम है, जो डोर स्टेप पे पहुंचेगा, ये देश की गली गली में पहुंचेगा, क्योंकि हमारा मीडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मीडिया में यहाँ जितने भी लोग आए उन्होंने इस बात को समझा। 26 नवंबर राष्ट्र का कार्यक्रम है, ये बहुजनों का कार्यक्रम नहीं है, ये अल्पसंख्यकों का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे देश का कार्यक्रम है। जिन लोगों ने इसको बहुत छोटा बना दिया और जिन लोगों ने सिर्फ इसको SC ST तक सीमित कर दिया, जो लोग इसको राष्ट्रीय नहीं मानते वो अपने आप को सोचें कि वो भारतीय हैं या नहीं, वो राष्ट्रीय हैं या नहीं, वो देशभक्त हैं या नहीं। क्योंकि संविधान दिवस को मनाने के लिए अगर आप इंटरनेट उठाएंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया के सभी देशों में इस देश को, इस उत्सव को मनाया जाता है। कहीं इसको सिटीजनशिप डे के नाम से, कहीं फेडरल डे के नाम से, कहीं इसको संविधान दिवस के नाम से, कहीं लीगल दिवस के नाम से, कहीं इसको रिपब्लिक डे के नाम से, कहीं इसको बर्थ के, न्यू बर्थ के नाम से, नेशनल बर्थ के नाम से मनाया जाता है। और अधिकतर देशों में इस दिन छुट्टी भी होती है और लोग इसको खूब एंजॉय करते हैं। भारत देश में जो चीज़ बाबा साहब से जुड़ गई उसकी ना तो छुट्टी होती है, ना उसको मनाया जाता है, ना उस पर कोई संज्ञान देता है। जो 85% भारत के लोग हैं वही इसको संज्ञान देते हैं और 26 तारीख को जो दूर दूर से लोग इसको मना रहे हैं और जो एक सैलाब सा आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से लगातार 26 नवंबर के कार्यक्रम पूरे देश में मनने शुरू हो गए और पिछली बार लगभग 2000 से ज़्यादा कार्यक्रम हमारे संज्ञान में हैं जो लगे और इस बार लगभग 3500 जो कार्यक्रम हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है और कार्यक्रम हो भी चुके हैं। तो संविधान दिवस जितनी तेज़ी से मन रहा है, संविधान भी उतनी तेज़ी से मजबूत हो रहा है और मीडिया हमारा जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसको फैला रहा है। ये वो दिन दूर नहीं है जब संविधान यहाँ लागू होगा। संविधान को जो लोग ये कहते हैं कि संविधान एक छोटी चीज़ है, वो ये मान के देखें कि वो संविधान के तहत में काम करते हैं, संविधान के तहत में चलते हैं और ये बहुत मूल और बड़े लोगों का उत्सव है, इसको मनाना चाहिए राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, स्टेट लेवल पर और घर पर जरूर मनाना चाहिए। घर पर सब लोग इस पर मोमबत्ती जलाएँ, एक दूसरे को मिठाई खाएं, ग्रीटिंग कार्ड दें, ग्रीटिंग्स भेजें, एक दूसरे को हैप्पी संविधान दिवस बोलें, हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलें और इसको फ्लरिश करें, क्योंकि जिन लोगों ने दिवाली नहीं मनाई है ये उनका दिवाली से भी बड़ा त्यौहार है। धन्यवाद। आरबी सिंह जी, एडवोकेट आरबी सिंह जी, देखिए संविधान दिवस को मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बहुत सारी बातें हमने कही हैं। कलेक्टिवली मनाया जाएगा कहीं भी किसी भी जगह के, इसके हर कोने में, इसमें कोई राय दो राय नहीं है।
और इसके साथ साथ मैं एक मिनट आपका लूँगा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान एक राष्ट्रीय ग्रंथ था और है और रहेगा, लेकिन इस राष्ट्रीय ग्रंथ को राष्ट्रवादी लोगों ने सत्यानाश करके रख दिया। राष्ट्रवादी की मोहर उनके ऊपर लगती है जो घोर अराष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी नहीं है। लेकिन राष्ट्रवादी वो होता है जो राष्ट्र के धर्म को माने, और राष्ट्र का धर्म राष्ट्रीय ग्रंथ से पैदा होता है, माना जाना चाहिए। आज से करीब 68 साल पहले से 26 जनवरी को प्रजातंत्र दिवस मनाया जाता रहा, प्रजातंत्र गणतंत्र दिवस जो बोलते हैं, ये संविधान की देन थी। इसके पहले कोई गणतंत्र और प्रजातंत्र की बात नहीं जानता था, लेकिन 26 जनवरी को उन्होंने उस दिन को सिर्फ दिखावे के रूप में अपनाया। होना ये चाहिए था कि भारतीय संविधान ने जो चीज़ अंगीकार की, जो प्रीएम्बल में है, उस चीज़ को उन्होंने दरकिनार कर दिया और कोशिश करी। उन्होंने ये देखा कि लोग कुछ जागरूक हो रहे हैं, तो ये बाबा साहब का नाम इस देश में नहीं आना चाहिए 26 जनवरी के दिन, आना चाहिए 26 जनवरी के ही दिन से, जो नहीं आया 68 साल से। लेकिन उन्होंने इसको दरकिनार किया इस देश की सरकार ने। हमको बड़ा अच्छा लगता है देखने में सुनने में कि इस देश की सरकार ने संविधान दिवस मनाने को हमें दे दिया। नतीजा आपके सामने है कि एक साल मनाने के बाद आपके ऊपर छोड़ दिया और उसे जाने दिया कि जब जाए चाहे चले जाए, संविधान हमें कोई मतलब नहीं है। और वो भी ये रहा है कि संविधान की धज्जियाँ रात और दिन उड़ाई जा रही हैं, ये मैं आपको बता दूँ। धन्यवाद, अब आप लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी आपको शुभकामनाएँ हैं। तमाम साथियों को मेरा जय भीम। देखिए आज जो बात हो रही है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बहुत अच्छी बात है, संविधान दिवस सभी को मनाना चाहिए और ये दायित्व बनता है हमारा, क्योंकि जो आज कुछ भी हमारा, अगर जो कुछ है हम, वो संविधान के प्रति हैं। और संविधान अगर नहीं होता तो शायद भारत का इतना नाम नहीं होता जो आज विश्व में भारत का नाम है। और जो मैं कहूँगा, संविधान मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संविधान के जो नियम हैं उन पर भी अमल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आज जो है हम बात करें संविधान की, या बात करें हम किसी विशेष एक समूह की, तो आज हमारा जो आज नवयुग के अंदर भी जो आज त्राही त्राही मची हुई है, जो शोषण हो रहा है, चाहे आप उसे इनडायरेक्ट कहें या डायरेक्ट कहें, लेकिन कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। तो जैसा कि अभी हमारे पहले वक्ता ने कहा कि कहीं ना कहीं संविधान को बहुत ज़्यादा, संविधान का निरादर हो रहा है, कहीं संविधान को जलाकर, कहीं संविधान पर टिप्पणियां कर, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय में अगर संविधान को बचाना है और संविधान के इस आदर को बरकरार रखना है, तो आपको बाकायदा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस संविधान को मनाने की ज़रूरत है। धन्यवाद सर। सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि 26 तारीख को जो संविधान दिवस मना रहे हैं, उसके लिए सब लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं। मैं भी एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरा ये मीडिया, दलित मीडिया मेरे सामने एकत्रित होकर एक ही मंच पे हम लोगों से ये सवाल कर रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस साल जिस तरह से भी 26 नवंबर को संविधान दिवस मना है, मने कोई बात नहीं, क्योंकि इस टाइम ये पोजीशन नहीं है कि हम उस चीज़ पे विचार कर सके। मैं ये चाह रहा हूं कि अगले वर्ष हमारे देश में अगर संविधान दिवस मने, तो ये अलग अलग संगठन ना हो, क्योंकि वो एक दिवस यानी कि एक झंडे के नीचे मनना चाहिए और पूरा देश एक झंडे के नीचे आना चाहिए और सारे संगठन मिलके इस संविधान दिवस को मिलकर मनाएं। और जिससे हमारी ताकत का जो अंदाज़ा है, जिसको ये ताकत का अंदाज़ा दिखाना चाहते हैं, उसको हमारी ताकत का अंदाज़ा हो। इसी के साथ मैं सबको कहता हूँ जय भीम। बहुजन मीडिया की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। एक सेकंड एक अपील कर दें, एक अपील कर दें। जी। जो आज माहौल हुआ है और सभी संगठनों के हमारे प्रतिनिधि आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सभी ने एकजुट होकर, एक मन होकर के एक साथ काम करने का सबने आज संकल्प लिया है। इसी कड़ी में
जो तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम होना था वो ऑल इंडिया फेडरेशन एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशंस के बैनर के तले होना था, लेकिन हमने अभी अभी फैसला किया कि वो प्रोग्राम बहुजन समाज के बैनर के नीचे होगा, फेडरेशन के बैनर के नीचे नहीं होगा। और सारे संगठन उसमें आएंगे, सबके सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी उसमें आएंगे, सब शिरकत करेंगे, सबकी भागीदारी होगी, सबको वहाँ सम्मानित किया जाएगा और वहाँ से सब लोग हम लोग इंडिया गेट के लिए रवाना होंगे एक जुलूस की फॉर्म में, और बड़ा कार्यक्रम फिर हम शाम को तालक वहाँ पे इंडिया गेट पर जाकर के सेलिब्रेट करेंगे। तो एक बार सभी बहुजन समाज का बैनर होगा, सब अपने बैनर लाएंगे, सब अपने बैनर वहाँ पर लगाएं और अपने बैनर के साथ एंटर करें, सभी को वहाँ पे मंच पे बुलाया जाएगा, सबको सम्मानित किया जाएगा और एकता का एक आवाज का एकता की एक आवाज का परिचय ताल कटोरा देते हुए शाम को हम लोग इंडिया गेट पर उस एकता को और मजबूत करेंगे। जय बाबा साहेब, बाबा साहेब, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।